अदर वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत ही खास आने वाला है और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जब एग्जाम का प्रेशर आता है स्टूडेंट के ऊपर तो उसे फेस करती है, तो उसी के बारे में पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख लीजिए और मैं आपको एक इसमें क्लिप ऐसा दिखाऊंगा कि जैसे रात में मेरा एक दोस्त मनीष कुमार जी का बर्थडे था, उनका कुछ बर्थडे का क्लिप भी है किस तरह से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट की गई, रात में ही केक काटा गया और भी कुछ अच्छे अच्छे मतलब कारनामे किए पहचान। तो देख लीजिएगा आप लोग और चैनल बनाए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब बस 12 बजने ही वाला है, तो यहाँ सब लोग इसे बर्थडे का यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ मारने पीटने के लिए जो होता है स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से सब लाइन में लगे हुए हैं आप। तो बताइए कि आप इस बर्थडे पे यहाँ पकड़िए नीचे धरिए अल्लाह इस तरह से आपके फ्रेंड के द्वारा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे चलिए बोलिए कुछ। अरे ऐसे धरिए, अरे सब ऐसा से जो है दूर नहीं बना के रखा, बड़ी मार मार आई तीन राउंड पिटाए हुआ है। आप लोग बताइए ये है केक का लुक, गाड़ी पर रख दिया गया है और अब काटने का इंतजार किया जा रहा है, बस बर्थडे बॉय का तो बस कुछ ही देर में केक कटाएगा, आप बने रहेंगे। तो टोपी पहने तो आपको छाना नहीं ना अब लग रहा है, लग रहा है के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बच्चों भाई। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम यहाँ समस्तीपुर आए थे एग्जाम देने अपने, तो देखिए यहाँ पे किस तरह से पढ़ाई होती है। सो हम आके इन सब सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछेंगे कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है। वैसे एक सब्जेक्ट का एग्जाम भी हो चुका है कल 10 तारीख को, तो हम लोग कल एग्जाम दिए तो उसका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि किस तरह का रिएक्शन देना चाहते हैं ये लोग जो पढ़ाई कर भी रहे हैं अगले सब्जेक्ट का। तो बताइए ये है रत्नेश जी, तो बताइए रत्नेश जी कि आप जो एग्जाम दिए हैं जो सब्जेक्ट का, तो उसका एग्जाम का मतलब कुछ बताइए कि कैसा गया है एग्जाम आपका। एग्जाम तो ठीक ठाक रहा, अब बाकी सब से पूछ लीजिए कैसा रहा आपका, मतलब ठीक ठाक एग्जाम गया है। चलिए आप बता दीजिए विवेक जी आपका एग्जाम कैसा गया। अब बगले में बैठा है तो कैसे बताए, दोनों का सेम ही गया है। सेम ही गया मतलब दोनों आप लोग चोरी करके बनाए, जो कर लीजिए जो कहिए जो कही, इसका मतलब है कि आप लोग चोरी करके बनाए बोल रहे हैं सेम है। तो अगला बार जो एग्जाम होने वाला 14 तारीख को है और आज है 11 तारीख, तो 14 तारीख का एग्जाम है, तो आप बताइए कि उसका प्रिपरेशन कैसा हो रहा है, आप बताइए सर मंडी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप 14 तारीख के एग्जाम को लेकर। हाँ तो कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो बताइए कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ठीक है ठाक है, कुछ खास नहीं है।
तो जो 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना आपको मिलेगा, कितना आ सकता है जिस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं? पता नहीं, एग्जाम सेंटर पर पता लगेगा, नहीं बता सकते। मतलब आप भी चोरी के भरोसे बैठे? हाँ, हाँ, चोरी के भरोसे। तो देखिए सब सारे जो स्टूडेंट है हमारे सब चोरी के भरोसे बैठे हुए हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इनसे भी। तो आप बताइए, चलिए आप भी कुछ बता दीजिए। किताब हुआ नहीं लिया, किताब नहीं लिए, सबको जो इन्हें समझ में नहीं आता है उस सब में से यहाँ से देख कर पढ़ते हैं। तो कुछ पढ़ाइयाँ हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप, और भी पढ़ाई तो ऊपर में हो रही है और भी नीचे में भी पढ़ाई हो रही है। चलिए मैं आपको नीचे में भी कुछ व्यू दिखाता हूँ किस तरह से तैयारी हो रही है। शख्स जो अकेले में ही तैयारियाँ कर रही है इतने अच्छे से देख सकते हैं आप। बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ठीक ठाक है। तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं, आपको 70 नंबर में कितना आ सकता है? अभी नहीं कर सकते। चोरी के भरोसे बैठे हुए हैं क्या जो आप अभी नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन देख के पता चलता है, क्वेश्चन देखने के बाद पता चलता है। तो आप बताइए कि जो पिछला एग्जाम आपका गया है 10 तारीख वाला हाईवे का एग्जाम था, तो उसका बताइए कि किस तरह का एग्जाम गया और कितना नंबर आ सकता है उसमें? 35 नंबर आ सकता है। 35 नंबर, 70 में 35, यानी 50% आप गेन करिएगा। चलिए तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको बलराम कुमार जी। कुछ हमारे पार्टनर लोग जो मेरा एवरेज है इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी तैयारी सब कुछ चल रही है, सब लोग लगे हुए ग्राउंड में। चलिए हम इनसे कुछ राय बताते हैं। तो बताइए राहुल जी, हमारे पुराने पार्टनर, तो बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है? हमारा जो तैयारी है एकदम पूरा मतलब कम्प्लीट होने वाला है, मतलब आज कल फाड़ देंगे। चलिए तो अब हमारे जो टॉपर है हमारे ब्रांच के नौकुश कुमार और इधर अभिषेक कुमार, दोनों से हम पूछना चाहते हैं। सबसे पहले अभिषेक कुमार से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए जो आपका पिछला एग्जाम गया है वो किस तरह का गया? पिछला एग्जाम जो है वो नंबर आएगा तभी देख लीजिएगा कैसा गया, क्योंकि अभी हम कुछ कहेंगे तो आप चोरी किया है क्या? नहीं, चोरी तो नहीं किए हैं, लेकिन अभी कुछ कुछ आइडिया तो एग्जाम इतना टाइट ले रहा है, कोई चोरी करिए नहीं सकता है। सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स तब तीन तीन को के बाद हम लोग को बिठा रहा है सिंगल को दो रुपया भी हो रहा है यहाँ पे, देखिए अच्छा लगता है। तो चलिए हम यहाँ पे एंड करते हैं और जो चल रहा है हम भी एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं। तो चलिए बने रहिए, धन्यवाद।